रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। पुरानी कहानी। अब सुनिए एक पुरानी कहानी में सादत हसन मंटो का एक और अफसाना, सहाय। प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे सायमा की। ये मत कहो कि 1,00,000 हिंदू और 1,00,000 मुसलमान मरे हैं, ये कहो कि 2,00,000 इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2,00,000 इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1,00,000 हिंदू मारकर मुसलमानों ने ये समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया है, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1,00,000 मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बजाई होंगी कि इस्लाम खत्म हो गया, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर एक हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किए जा सकते हैं। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, हमारे जिस्म में नहीं रूह में होता है। छुरी, चाकू और गोली से ये सब कैसे फना हो सकता है? मुमताज उस रोज बहुत ही जोश से भरा हुआ था। हम सिर्फ 3 थे जो उसे जहाज पर छोड़ने के लिए आए थे। वो एक गैर तय किए वक्त के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान, जिसके वजूद के बारे में हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता था। हम 3 हिंदू थे। पश्चिमी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। शायद यही वजह थी कि मुमताज हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से खत मिला कि दंगों में उसका चचा मारा गया है, तो उसे बहुत सदमा हुआ। चुनांचे इसी सदमे के चलते बातों बातों में एक दिन उसने मुमताज से कहा, मैं सोच रहा हूं अगर हमारे महल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूंगा। मुमताज ने उससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर मुमताज बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी ये खामोशी तकरीबन 8 रोज तक कायम रही और उस वक्त टूटी जब उसने अचानक हमें बताया कि वो 4:15 समुद्री जहाज से कराची जा रहा है। हम 3 में से किसी ने भी उसके इस इरादे के बारे में बातचीत न की। जुगल को इस बात का बेहद एहसास था कि मुमताज की रवानगी की वजह उसका ये जुमला है, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। शायद अब तक वो यही सोच रहा था कि वो गुस्से का दौरा पड़ने पे मुमताज को मार सकता है या नहीं। मुमताज को, जो कि उसका जिगरी दोस्त था। यही वजह है कि वो हम 3 में सबसे ज्यादा खामोश था। अजीब बात यह है कि मुमताज अजीबो गरीब ढंग से बातूनी हो गया था, खास तौर पर चलने से चंद घंटे पहले। सुबह उठते ही उसने पीना शुरू कर दिया, सामान वगैरह कुछ इस अंदाज से बांधा और बंधवाया जैसे वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है। खुद ही बात करता था और खुद ही हंस देता था। कोई और देखता तो यही समझता कि मुमताज बंबई छोड़ने में बेहद खुशी महसूस कर रहा है, लेकिन हम 3 अच्छी तरह जानते थे कि वो सिर्फ अपने जज्बात छिपाने के लिए हमें और अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि उससे उसकी अचानक रवानगी के बारे में बात करूं। इशारतन मैंने जुगल से भी कहा कि वो बात छेड़े, मगर मुमताज ने हमें कोई मौका ही ना दिया। जुगल 3-4 पैग पीकर और भी ज्यादा खामोश हो गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। मैं और ब्रिजमोहन
हम दोनों मुमताज के साथ रहे। उसे कई बिल अदा करने थे, डॉक्टरों की फीसें देनी थीं, लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे, ये सब काम उसने हंसते खेलते किए। लेकिन जब उसने नुक्कड़ के होटल के बाजू वाली दुकान से एक पान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रिजमोहन के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चलते हुए उसने हौले से कहा, याद है ब्रिज, आज से 10 बरस पहले जब हमारा हाल बहुत पतला था, गोविंद ने हमें 1 रुपया उधार दिया था। रास्ते में मुमताज खामोश रहा, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर बातों का खत्म ना होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसी बातों का जिनका सिर था न पैर, लेकिन उसकी बातें कुछ दिल से सच्ची थीं, और मैं और ब्रिजमोहन बराबर उनमें हिस्सा लेते रहे। जब जाने का वक्त करीब आया तो जुगल भी शामिल हो गया। टैक्सी बंदरगाह की तरफ चली तो सब खामोश हो गए। मुमताज की नजरें बंबई के खुले और भरे भरे बाजारों को अलविदा कहती रहीं, हत्ता की टैक्सी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। बेहद भीड़ थी, हजारों रेफ्यूजी जा रहे थे, खुशहाली बहुत कम और बदहाल बहुत ज्यादा, बेपनाह हुजूम था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अकेला मुमताज जा रहा है, हमें छोड़कर वो ऐसी जगह जा रहा है जो उसकी देखी भाली हुई नहीं है, जो उसके परिचित बनाने पर भी अजनबी रहेगी। ये मेरा अपना ख्याल था, मैं कह नहीं सकता कि मुमताज क्या सोच रहा था। जब सारा सामान कैबिन में पहुंचा दिया गया तो मुमताज हमें ब्रिज पर ले गया, उधर जहां आसमान और समंदर आपस में मिल रहे थे। मुमताज देर तक उधर देखता रहा, फिर उसने जुगल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ये जुगल, महज आंखों का धोखा है आसमान और समंदर का मिलना, लेकिन ये धोखा किस कदर दिलकश है, ये मिलाप। जुगल खामोश रहा, शायद उस वक्त भी उसके दिलो दिमाग में उसकी कही हुई बात चुटकियां ले रही थी। मैं सोच रहा हूँ, बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं। मुमताज ने जहाज के बार से ब्रांडी मंगवाई, क्योंकि वो सुबह से यही पी रहा था। हम चारों ग्लास हाथ में लिए जंगले के साथ खड़े थे। रेफ्यूजी धड़ाधड़ जहाज में सवार हो रहे थे। करीब करीब पूरे समंदर पर आबी परिंदे मंडला रहे थे। जुगल ने एकदम से एक ही बार में अपना गिलास खत्म किया और निहायत ही भोंडे अंदाज में मुमताज से कहा, मुझे माफ कर देना मुमताज, मेरा ख्याल है मैंने उस रोज तुम्हें दुख पहुंचाया था। मुमताज थोड़ा रुका और उसके बाद जुगल से सवाल किया, जब तुमने कहा था मैं सोच रहा हूं बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूं, क्या उस वक्त वाकई तुमने यही सोचा था? क्या तुम सच्चे दिल से इसी नतीजे पर पहुंचे थे जुगल? हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है। तुम मुझे मार डालते तो तुम्हें ज्यादा अफसोस होता, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर तुमने गौर किया होता कि तुमने मुमताज को, एक मुसलमान को, एक दोस्त को नहीं बल्कि एक इंसान को मारा है। वो अगर हरामजादा था तो तुमने उसकी हरामजादगी को नहीं बल्कि खुद उसको मार डाला है। वो अगर मुसलमान था तो तुमने उसकी मुसलमानी को नहीं उसकी हस्ती को खत्म किया है। अगर उसकी लाश मुसलमानों के हाथ आ जाती तो कब्रिस्तान में एक कब्र बढ़ जाती, लेकिन दुनिया में एक इंसान कम हो जाता। हो सकता है मेरे हम मजहब मुझे शहीद कहते, लेकिन खुदा की कसम अगर मुमकिन होता तो मैं कब्र फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता। मुझे शहादत का ये रुतबा कबूल नहीं, मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए।
जिसके लिए मैंने इम्तिहान दिया ही नहीं। लाहौर में तुम्हारे चचा को एक मुसलमान ने मार डाला, तुमने ये खबर बंबई में सुनी और मुझे कत्ल कर दिया। बताओ तुम्हारे चचा और मैं किस मेडल के हकदार हैं, और तुम्हारे चचा का कातिल और तुम किस इज्जत वाली वर्दी के हकदार हो। मैं तो यूं कहूंगा कि मरने वाले कुत्ते की मौत मरे और मारने वालों ने बेकार, बिल्कुल बेकार अपने हाथ खून से रंगे। बातें करते करते मुमताज बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया, लेकिन इस ज्यादती में सच्चाई बराबर की थी। मेरे दिल पर सबसे ज्यादा उसकी इस बात का बहुत असर हुआ। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, हमारे जिस्म में नहीं रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये सब कैसे फना हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब ठीक तो है, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ शायद अच्छी तरह नहीं बता पा रहा। मजहब से मेरा मतलब ये मजहब नहीं, ये धर्म नहीं जिसमें हम में से 99% फंसे हुए हैं। मेरा मतलब उस खास चीज से है जो एक इंसान को दूसरे इंसानों के मुकाबले में एक अलग हैसियत बख्शता है, वो चीज जो इंसान को हकीकत में इंसान साबित करता है। लेकिन ये चीज क्या है, अफसोस कि मैं इसे हथेली पर रखकर नहीं दिखा सकता। लेकिन उसमें वो कौन सी खास बात थी? वो तो कट्टर हिंदू था, पेशा भी निहायत ही जलील, लेकिन इसके बावजूद उसकी रूह किस कदर रोशन थी। किसकी? एक भड़वे की। तीनों चौंक पड़े। मुमताज के लहजे में कोई हिचक नहीं थी। एक भड़वे की? हाँ, मुझे हैरत है कि वो कैसा इंसान था, और ज्यादा हैरत इस बात की है कि वो एक आम इंसान की नजर में एक भड़वा था, औरतों का दलाल, लेकिन उसका जमीर बहुत साफ था। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, शायद सहाय था, बनारस का रहने वाला, बहुत ही सफाई पसंद। वो जगह जहां वो रहता था बहुत ही छोटी थी, मगर उसने बड़े सलीके से उसे अलग अलग खानों में बांट रखा था। पर्दे का पूरा इंतजाम था, चारपाइयां और पलंग नहीं थे, लेकिन गदेले और गाव तक यह मौजूद थे। चादरें और गिलाफ वगैरह हमेशा उजले रहते थे। नौकर मौजूद था, मगर सफाई सहाय खुद अपने हाथ से करता था। सिर्फ सफाई ही नहीं, हर काम। और वो सर से बला कभी नहीं टालता था, धोखा और फरेब नहीं करता था। रात ज्यादा गुजर गई है और आपको शराब की जरूरत है, तो वो साफ कह देता था कि साहब पानी मिली शराब मिलेगी, अपने पैसे जाया ना कीजिए। अगर किसी लड़की के बारे में उसे शक है तो वो छुपाता नहीं था। और तो और उसने मुझे ये भी बता दिया था कि वो 3 साल के अरसे में 20,000 रुपए कमा चुका है, हर 10 रुपए में से 2.5 रुपए कमीशन ले लेकर। उसे सिर्फ 10,000 और बनाने थे। मालूम नहीं सिर्फ 10,000 ही और क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। उसने मुझसे कहा था कि 30,000 रुपए पूरे करके वो बनारस वापस चला जाएगा और कपड़ों सूट की दुकान खोलेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ कपड़ों ही की दुकान खोलने का आरजूमंद क्यों था। अजीबोगरीब आदमी था। मेरा ख्याल था कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। कौन यकीन कर सकता है कि वो उन तमाम लड़कियों को जो उसके धंधे में शरीक थीं अपनी बेटियां समझता था। ये भी उस वक्त मेरे लिए समझ से बाहर की बात थी कि उसने हर लड़की के नाम पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोल रखा था और हर महीने लड़की की कुल आमदनी वहां जमा कराता था। और ये बात तो
बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी कि वो 10-12 लड़कियों के खाने पीने का खर्च अपनी जेब से अदा करता था। उसकी हर बात मुझे जरूरत से ज्यादा बनावटी मालूम होती थी। एक दिन मैं उसके यहाँ गया तो उसने मुझसे कहा, अमीना सकीना दोनों छुट्टी पर हैं। मैं हर हफ्ते दोनों को छुट्टी दे देता हूँ ताकि बाहर जाकर किसी होटल में मांस वगैरह खा सकें। यहाँ तो आप जानते हैं सब वैष्णव हैं। मैं मुस्कुराया और मैंने सोचा कि साला मुझे बना रहा है। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो अहमदाबाद की उस हिंदू लड़की ने, जिसकी शादी उसने एक मुसलमान ग्राहक से करा दी थी, उसे लाहौर से खत लिखा है कि दाता साहब के दरबार में लड़की ने एक मिन्नत मानी थी जो पूरी हो गई है, और अब उसने सहाय के लिए मिन्नत मानी है कि जल्दी जल्दी 30,000 रुपए पूरे हो जाएं कि वो बनारस जाकर कपड़ों की दुकान खोल सके। ये सुनकर तो मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा ख्याल गलत था। बिल्कुल, उसके कहने और उसके करने में कोई फर्क नहीं था। हो सकता है उसमें कोई खामी हो, बहुत मुमकिन है उससे अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां हुई हो, मगर वो एक बहुत ही उम्दा इंसान था। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसकी मौत पर। ये कहकर मुमताज कुछ अरसे के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने उधर देखना शुरू किया जहां आसमान और समंदर धुंधली सी आगोश में सिमटे हुए थे। दंगे शुरू हो चुके थे। मैं भोर उठकर भिंडी बाजार से गुजर रहा था। कर्फ्यू की वजह से बाजार में भीड़ बहुत ही कम थी। ट्रैम भी नहीं चल रही थी। टैक्सी की तलाश में चलते चलते जब मैं जेजे अस्पताल के पास पहुंचा तो फुटपाथ पर एक आदमी को मैंने बड़े से टोकरे के पास गठरी सी बने हुए देखा। मैंने सोचा कोई पार्टी वाला सो रहा है, लेकिन जब मैंने पत्थर के टुकड़ों पर खून के लोथड़े देखे तो रुक गया। वारदात कत्ल की थी। मैंने सोचा अपना रास्ता लूं, मगर गठरी में हरकत पैदा हुई। मैं फिर रुक गया। आसपास कोई न था। मैंने झुककर उसकी तरफ देखा। मुझे सहाय का जाना पहचाना चेहरा नजर आया, खून के धब्बों से भरा हुआ। मैं उसके पास फुटपाथ पर बैठ गया और उसे गौर से देखा। उसकी ट्विल की सफेद कमीज, जो हमेशा बेदाग हुआ करती थी, लहू से लुथड़ी हुई थी। जख्म शायद पसलियों के पास था। उसने हौले हौले कराहना शुरू किया तो मैंने उसे एहतियात से कंधा पकड़कर हिलाया, जैसे किसी सोते को जगाया जाता है। एक दो बार मैंने उसको अधूरे नाम से भी पुकारा। मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें खोल दी। देर तक वो उन अधखुली आंखों से टकटकी बांधे मुझे देखता रहा। फिर एकदम उसके सारे बदन में ऐठन की सी कैफियत पैदा हुई और उसने मुझे पहचान कर कहा, आप। मैंने उसे ऊपर तले बहुत सी बातें पूछना शुरू कर दी कि वो कैसे इधर आया, किसने उसको जख्मी किया, कब से वो फुटपाथ पर पड़ा है और कि सामने अस्पताल है, क्या मैं वहां इत्तला दूं। उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। जब मैंने सारे सवाल कर डाले तो कराहते हुए उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे, मेरे दिन पूरे हो चुके थे, शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को जाने क्या मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में एक आदमी को, जिसके बारे में मैं जानता था कि हिंदू है, इस एहसास के साथ मरता हुआ देखूं कि उसको मारने वाला मुसलमान था और आखिरी वक्त में उसकी मौत के सिरहाने जो आदमी खड़ा था वो भी मुसलमान था। मैं डरपोक तो नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हालत डरपोकों से बदतर थी। एक तरफ ये खौफ साथ साथ था कि मुमकिन है मैं ही पकड़ा जाऊं, दूसरी तरफ ये डर था कि पकड़ा ना भी गया मगर पूछताछ के लिए जरूर धर लिया जाऊंगा। एक बार ये ख्याल आया कि अगर मैं इसे अस्पताल ले गया तो कहीं ये मुझे ही ना फंसा दे। सोचे मरना तो है ही, क्यों ना इसे साथ लेकर मरूं।
इस किस्म की बातें सोचकर मैं चलने ही वाला था, बल्कि यूं कहिए कि भागने ही वाला था कि उसने मुझे पुकारा। मैं ठहर गया। ना ठहरने के इरादे के बावजूद मेरे कदम रुक गए। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा गोया उससे कह रहा हूं कि जल्दी करो मियां, मुझे जाना है। उसने दर्द की तकलीफ से दोहरा होते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी कमीज के बटन खोले और अंदर हाथ डाला, मगर जब कुछ और करने की उसमें हिम्मत न रही तो उसने मुझसे कहा, नीचे बंडी है, इधर की जेब में कुछ जेवर और 1200 रुपए है। ये सुल्ताना का माल है, मैंने एक दोस्त के पास रखा हुआ था, आज उसे भिजवाने वाला था, क्योंकि आप जानते हैं कि खतरा बहुत बढ़ गया है। आप उसे दे दीजिएगा और कहिएगा कि वह फौरन चली जाए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मुमताज खामोश हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवाज सहाय की आवाज में, जो जे अस्पताल के सामने फुटपाथ पर उभरी थी, दूर उधर जहां आसमान और समंदर एक धुंधली सी आगोश में दबे थे, हल हो रही है। जहाज ने विसल दिया तो मुमताज ने कहा, मैं सुल्ताना से मिला, उसको जेवर और रुपया दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुमताज चला गया, उसके दोस्त वहीं खड़े रहे। क्या तुम्हें ऐसा मालूम नहीं होता कि मुमताज सहाय की रूह को बुला रहा है हम सफर बनाने के लिए? जुगल ने सिर्फ इतना कहा, काश मैं सहाय की रूह होता। क्या वाकई कोई ऐसा रिश्ता है जिसका दायरा मजहब के दायरे से बड़ा है? क्या वाकई एक इंसान की पहचान उसके धर्म से शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है? और कितनी कुर्बानियां होंगी धर्म के नाम पर?